देहरादून कोतवाली क्षेत्र के न्यू अंपायर सिनेमा हॉल के पास कल सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी, जिसमें युवक को गोली मारी गई थी। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से एसपी सिटी प्रदीप रॉय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी में। जी जी, धन्यवाद। एसपी साहब, जो कल युवक का शव बरामद किया गया है जिसको गोली मारी गई थी, उस मामले में पुलिस को और क्या कामयाबी मिली है? देखिए, पुलिस द्वारा जो आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज हम तो खंगाले जा रहे हैं, और इसमें एक संदिग्ध वाहन के बारे में कुछ छोटे से क्लू मिले हुए हैं। इसके अलावा जो उनके जो जहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, स्कॉलर फॉर्म, और जो आसपास के दोस्त हैं उनको भी तलाशा जा रहा है। जानकारी इकट्ठा की जा रही, जहाँ जहाँ ये पहले मृतक ठहरे हुए थे, होटल में और ISBT के लॉज में, वहां से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं इसमें, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम इसको खुलासा कर देंगे। और जो हमारे SOG और जो एक्सपर्ट टीम है, साइबर एक्सपर्ट की टीम, ये सारी टीमें भी लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारी टीम जो जनपद के बाहर भी साक्षी इकट्ठा करने के लिए गई हुई है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस मर्डर खुलासा हो जाएगा। एसपी साहब, क्या इस मामले में प्रेम प्रसंग का मामला भी लग रहा है? देखिए, इसमें कई हर पहलू से तलाश की जा रही है। प्रेम प्रसंग का हो सकता है, या देखिए संपत्ति के लिए हो सकता है, या किसी अन्य कारणों से भी हो सकता है। हम उन सारे कारणों की जांच कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग टीमें लगी हुई हैं, और मुझे उम्मीद है, नहीं पूरी विश्वास है कि जल्दी ही वो जो भी मुलजिम होगा उस कटघरे में होगा। थैंक यू सर, क्राइम स्टोरी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।